साथ हकीकत आप तक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे राजधानी दिल्ली, देश व दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बंगला साहिब के पास, जहां पर आप देखते हैं कि राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर सड़कों पर कुछ बेघर जो गरीब होते हैं वो नज़र आते हैं, और जगह जगह अगर हम जाते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग नज़र आते हैं जिनका ना कोई ठिकाना होता है और ना ही कोई घर होता है। जी हाँ, आज हम बंगला साहिब में इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के मौजूद हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर रैन बसेरा बनाया गया है ताकि जितने भी लोगों के पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए ठिकाना नहीं है, वो लोग यहाँ पर रह सके। तो हम अंदर चलेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे आपको अपने चैनल के माध्यम से कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से लोगों की देखभाल की जाती है, किस तरीके से लोग यहाँ पर अपना जीवन काटते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शबाना परवीन नाम है। यहाँ पर इस रैन बसेरे में जितने भी लोग रहते हैं और यहाँ का जो मैनेजमेंट है कौन संभालता है इसको? यहाँ वाले के जो जैसे गुरुद्वारा बंगला साहिब है, यहाँ पर मंजीत सर हैं जो सारा कुछ देखते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करना है क्या है वो सब देखते हैं यहाँ का। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रहने वालों की देखभाल करते हैं? यहाँ पर कई तरह से है, जैसे कि जो लोग बेघर हैं वो तो यहाँ रहते ही हैं, जैसे कि हमारे छह जो हैं ये पहले के शेल्टर बने हुए, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो उस टाइम पर हम लोग टेंट लगाते हैं, जैसे आप ये व्हाइट वाले देख रहे हो और ये जो ब्लू वाले हैं ये हमारे परमानेंट रहते हैं। फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि सुबह इनको नाश्ता, दोपहर में खाना और रात को इनका डिनर है, और उसके अलावा पानी का इंतजाम है, शौचालय है, लाइट है और इंटरटेनमेंट के लिए टीवी लगा हुआ है। आपके यहाँ पर शिफ्ट लगी हुई है तो कैसा महसूस होता है आपको लोगों के लिए काम करके? अच्छा महसूस होता है। महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है? महिलाओं के लिए यहाँ पे जो भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो उनको मिलती है, सैनिटरी पैड से लेके जो भी उनको मेडिकल की भी सुविधा है सब उनके पास मिल जाती है उन्हें। इन सारी सुविधाओं का जो खर्चा आता है वो दिल्ली सरकार प्रोवाइड करती है? दिल्ली सरकार भी कर रही है, एनजीओ प्रोवाइड करते हैं। कब से शुरुआत हुई थी इसकी यहाँ पर? यहाँ पर जो रैन बसेरा बसना शुरू हुआ था कि पहले क्या था कि लोग यहाँ पर आसपास रोड पर रहते थे, हनुमान मंदिर आसपास, तो यहाँ पे एक स्पेस दिया गया और इसको एक कच्चाई के तौर पे ही यूज किया गया, 2007 की बात है। फिर ये 2010 में पक्के होने शुरू हो गए। कितनी संख्या है यहाँ पर, कितने लोग रहते हैं? यहाँ मैम अराउंड तो वैसे तो 400 के अराउंड लोग रह रहे हैं। ये जो व्हाइट वाले टेंट ओनली फॉर विंटर सीजन फॉर 4 मंथ्स, और जो ब्लू वाले 24/7। 400 लोगों की जो जरूरतें हैं वो किस तरीके से आप लोग पूरा करते हैं? मैम ये है कि अब लोगों को यहाँ पे हमने बेड दिया हुआ है, मैट्रेस दी गई है और कंबल प्रोवाइड किए गए हैं, पीने के लिए पानी है, और हर ट्यूजडे को और फ्राइडे को मेडिकल फैसिलिटीज आती है, डॉक्टर आती है। पहले कहाँ रहते थे आप? मैंने पहले तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा। पहले मैं सोनीपत में काम कर रहा था, तो वहाँ पे काम चला गया, तो फिर यहाँ पे शादी पट्टी में काम करता हूँ। यहाँ पर रहने का क्या कारण है आपका? यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे तो पहले मतलब फ्री में रह सकता हूँ, तो किराए का ही नहीं देना पड़ता है, ऊपर से यहाँ पे खाने का भी आता है दोनों टाइम, और गुरुद्वारा है तो खाना खा लेता हूँ, तो हम शादी पट्टी में काम करके जो कमाता हूँ वो मेरा घर में मैं सपोर्ट कर पाता हूँ। स्टेट का जो गवर्नमेंट है और जो ये SPOM NGO है इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर केयर टेकर है, तो आप बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर ख्याल रखते हैं? मैम ख्याल क्या, एक्चुअली यहाँ शेल्टर है, शेल्टर नंबर 84 है, और यहाँ पे लोग ऐसे व्यवस्था जो अभी है फोल्डिंग का है, गद्दे का है, और तकिया है, पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, और नाश्ते में सुबह चाय और चिप्स है जो भी। दो महीनों में यहाँ पर रह करके कैसा? सबसे पहले तो आप ये बताइए। इस टाइम तो लोग घर भूल गए, इतना मतलब खाना पीना सब कुछ प्यार व्यार सब कुछ मिलता है हमारा। जैसे बाहर सो रहे थे ना तो पेड़ों के नीचे ऐसे सो रहे थे कि कोई पता नहीं है जी। हम तो कहते हैं हम भगवान करे कि जितने भी बाहर सो रहे हैं ना ये उनको ऐसी ही जगह मिले, और खाना पीना टाइम से सब कुछ टाइम से मिलता है यहाँ पर, कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कुछ, सबसे बढ़िया जी। किसके शुक्रगुजार हैं आप, आपको इतनी अच्छी जगह में? ये भाई हमारे यहाँ के हेड है, मतलब कुछ भी है, मगर ये किसी को कुछ नहीं बोलते, खाना पीना सब कुछ प्यार व्यार सब कुछ मिलता है हमारे। रैन बसेरे के और अंदर आकर के आप देखिए यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से खाना खिलाया जा रहा है। मैं कैमरा मैन के माध्यम आऊंगी कि वो दिखाए कि यहाँ पर बच्चे किस तरीके से और कितने प्यार से सभ्यता के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको यहाँ पर खाना दिया जा रहा है। तो खाने की बात करें तो खाने में यहाँ पर चावल है, सब्जी है, सैलड है, सब कुछ है। आप यह भी देख सकते हैं कि इन बच्चों को यहाँ पर अपना एक घर मिला और यहाँ पर बच्चे भरपेट खाना खा रहे हैं। खाने के काउंटर पर बैठे हुए हैं तो क्या क्या शेड्यूल रहता है? एक्चुअली मैं सलाम बालक ट्रस्ट से हूँ, संतोष गुप्ता।
हम लोग सिर्फ बच्चों के लिए काम करते हैं और यहाँ एजुकेशन, हेल्थ हाइजीन, वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब प्लेसमेंट सारा चीज़ होता है। तो खाने का ये है कि जो हेल्दी खाना होता है वो हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा स्पेशल न्यूट्रिशन वगैरह होता है। और ख़ास करके इस कोविड के दौरान में कभी भी ये लॉकडाउन में ये सेंटर क्लोज़ नहीं हुआ है। ज़्यादातर हम लोग वही काम करते हैं जो ज़रूरत होती है, क्योंकि आम घर में तो सब कुछ खाने पीने का होता है, लेकिन इन बच्चों के लिए बहुत सारी समस्या है सिर्फ खाना पीना, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मंदिर गुरुद्वारे सब कुछ बंद हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जो इनको ज़रूरत की चीज़ें हैं। खाने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो उसके लिए क्या क्या सुविधा है? यहाँ के लगभग 80% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल ओपन नहीं है। हमारे पास हम लोग टीचर यहाँ पे सारे मिल करके प्रिंसिपल और टीचर का एक ग्रुप बना हुआ है, तो नर्सरी से लेकर के 12 तक के बच्चों को हम लोग पूरा एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा बच्चे कंप्यूटर कोर्स के लिए ऑनलाइन सारा चीज़ चल रहा है। कितने बच्चे होंगे यहाँ पर? तकरीबन हमारे पास जो रजिस्टर्ड है वो 100 के अराउंड बच्चे हैं। अभी आप यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो दूसरा घर बनाया गया, अभी दूसरा कहें तीसरा कहें, यहाँ घरों की संख्याएँ बहुत है और बहुत लोगों के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है। लेकिन बात करें इस घर की, तो यहाँ पर महिलाओं की रहने के लिए जगह बनाई गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा बिस्तर और फोल्डिंग सब कुछ यहाँ पर दिया गया है महिलाओं की सुविधा के लिए, महिलाओं को रहने के लिए। कब से रहती हैं यहाँ पर आप? 4 साल से रहने के बाद कैसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको? पहले तो यहाँ पर जब हम आए थे तब तो दरियाँ थी, दरियों पे सोते थे हम। उसके बाद गद्दे आए, गद्दे पे सोए हैं काफ़ी साल, 2 साल तक तो गद्दे पे सोए हैं। फिर अब बेड मिले हमें, पिछले साल से बेड मिले हैं बेड पे। क्या क्या सुविधा दी जाती है आप लोगों को यहाँ पे? सब चीज़ की सुविधा, यहाँ पे पानी भी, वॉशरूम से खाना भी आता है दोनों टाइम यहाँ पे। यहाँ पर रहती हैं आप, कैसा लगता है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है बेटा जी, आई एम वेरी हैप्पी एवरी डे, हम बहुत खुश हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, और सभी का कहना है कि यहाँ पर वो बहुत खुश हैं। गरीबों के लिए यहाँ पर जो रैन बसेरा बनाया है वो अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो दिल्ली से बाहर लोग रहते हैं और दिल्ली में आने से पहले ही डरते हैं कि आखिर हम दिल्ली में जाकर रहेंगे कैसे, वो यहाँ की जगहों को देख करके, यहाँ के जितने भी लोग रह रहे हैं उनको देख कर दिल्ली आने से ना डरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति कैमरा पर्सन सुनील के साथ हकीकत आप तक। आप हमारी खबर को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें।